हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ई श्रम कार्ड के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है कि उत्तर प्रदेश के सरकार ने यूपी के बहुत सारे लोगों के अकाउंट में ई श्रम कार्ड की फर्स्ट किस्त को ट्रांसफर कर दिया है। ऐसे में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता है कि उनके अकाउंट में ई श्रम कार्ड के फर्स्ट किस्त का पैसा आया है कि नहीं आया। सो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह से अपने घर बैठे अपने मोबाइल फोन से ई श्रम कार्ड पेमेंट के स्टेटस को भी देख सकते हैं। सो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। मैं सर्वेश गुप्ता गुप्ता हिंदी में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप क्लिक करके इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। दोस्तों, जैसे ही अपने क्रोम ब्राउजर में आएंगे, यहाँ पर आपको थ्री डॉट्स का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर क्लिक करके अपने ब्राउजर को डेस्कटॉप मोड में सेलेक्ट कर लेना है। गूगल में आपको सिंपल सा लिखना है PFMS। जैसे ही आप लिंक एंटर करेंगे, आपको कुछ इस तरह का पेज खुल के आएगा। वेबसाइट का लिंक आपके सामने खुल के आएगा, PFMS.NIC.IN। यहाँ पर फर्स्ट लिंक आपको जो मिलेगा उस पर क्लिक कर लेना है। फर्स्ट लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके सामने पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम का पेज खुल के आएगा। यहाँ पर आपको सीधे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक सेक्शन मिलेगा नो योर पेमेंट पब्लिकेशन के अंदर मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। नो योर पेमेंट में जैसे आप क्लिक करेंगे, आपके सामने एक नया पेज खुल के आएगा, पेमेंट बाय अकाउंट नंबर, जहां पर आपसे कुछ डिटेल्स मांगी गई हैं, जहां पर आपको अपना बैंक का नेम डाल देना है जो आप ई श्रम कार्ड में रजिस्टर कराए हैं। उसके बाद आप अपना अकाउंट नंबर डालेंगे, अकाउंट नंबर दोबारा से डालेंगे, री इंटर करेंगे, नीचे कैप्चा को फिल करके सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। जो भी आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर है ई श्रम कार्ड में, उसी पर ओटीपी जाएगी। जो भी बैंक इसमें टाइप करेंगे तो ऑटोमेटिकली सर्च होकर आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर अकाउंट नंबर दो बार फिल करके कैप्चा को फिल करेंगे, उसके बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज खुल के आएगा। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद अगर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ रहा है, तो आपके अकाउंट में मोबाइल नंबर नहीं लिंक है। दोस्तों, जिस भी अकाउंट में मोबाइल नंबर नहीं लिंक है, वहाँ पर कुछ इस तरह का एरर का मैसेज आ रहा है। तो चलिए मैं अपना दूसरा अकाउंट नंबर एंटर करके दिखाता हूं, जिसमें मेरा मोबाइल नंबर लिंक है। तो उसमें किस तरह से आपको दिखाएगा, चलिए मैं ये भी आपको दिखा देता हूं। तो दोस्तों, जैसे ही मैं दूसरा अकाउंट नंबर एंटर करके सबमिट बटन पर क्लिक किया, कुछ इस तरह का मैसेज आया है। इस मैसेज का यह मतलब है कि मेरे ई श्रम कार्ड में अभी भी कोई पैसा नहीं आया हुआ, समथिंग वेट्स रॉन्ग, प्लीज चेक अगेन। जहाँ पर जिन लोगों के अकाउंट में इस तरह का मैसेज शो हो रहा है, उनके अकाउंट में ई श्रम कार्ड का कोई भी पेमेंट नहीं आया है। तो दोस्तों, कैसी रही ये कमाल की जानकारी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। साथ ही साथ अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ इस कमाल की इन्फॉर्मेशन को शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचती रहे। धन्यवाद। जय हिंद।